उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम एफएमई स्टोर नैनीताल सहित चार धाम यात्रा मार्गों पर स्थापित 12 वितरण केंद्रों का उद्घाटन वर्चुअली रूप से किया। कृषि मंत्री गणेश ने चार धाम यात्रा मार्गों पर आउटलेट उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में औद्योगिक का समग्र विकास करते हुए काश्तकारों की आय में गुणवत्ता वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित करने के साथ साथ वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री गणेश ने कहा कि लघु सीमांत कृषकों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों इत्यादि के विभिन्न औद्योगिक व प्रसंस्कृत उत्पादों की बिक्री के लिए जनपद नैनीताल में पीएम एफएमई स्टोर का उद्घाटन किया गया है। इसके अतिरिक्त चार धाम यात्रा मार्गों में तीर्थ यात्रियों को उत्तराखंड के प्रसंस्कृत उत्पादों के साथ साथ मशरूम व शहद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार धाम यात्रा के सभी जनपदों में कुल 12 आउटलेट खोले गए हैं। मंत्री गणेश ने कहा कि इन वितरण केंद्रों आउटलेट के माध्यम से जहां एक और प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों इत्यादि के उच्च गुणवत्ता युक्त विभिन्न औद्योगिक प्रसंस्कृत मशरूम व शहद उत्पादों की बिक्री स्थानीय स्तर पर उचित मूल्य पर हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर तीर्थ यात्रियों को भी सुगमता पूर्वक उत्तराखंड के उत्पादक प्राप्त हो सकेंगे। कृषि मंत्री ने भरोसा जताते हुए कहा कि पीएम एफएआई स्टोर एवं चारधाम यात्रा मार्गों में स्थापित वितरण केंद्र आउटलेट के माध्यम से कृषकों की आय वृद्धि एवं राज्य की आर्थिकी में विशेष योगदान मिलेगा, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने में भी सहायक होगा। यहाँ इस वर्ष में हमारे जितने भी समूह के द्वारा, क्योंकि आज कई नामों से हमारी समूह काम कर रहे हैं, उनके उत्पाद मिलेट्स स्टॉल में रखे जाएंगे ताकि आने वाले टूरिस्ट, जिस प्रकार आज आंकड़े आ रहे हैं, इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इस बार 45 लाख का जो आंकड़ा था, मुझे लगता है इस बार हम 7 लाख से अधिक टूरिस्ट यहाँ पर आ जाएगा और इसके माध्यम से उनके उत्पाद की बिक्री भी होगी 50%। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।